हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अखिलेश कुमार फ्रॉम मजिस्टर ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कोरल ड्रॉ में टेबल मेनू पढ़ेंगे। इससे पहले फाइल एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज मेनू, इफेक्ट, बिटमैप्स मेनू, टेक्स्ट मेनू टोटल कंप्लीट हो चुका है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख के सीख सकते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का भी, फोटोशॉप, पेज मेकर का भी क्लास करना चाहते हैं तो मजिस्टर ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में टोटल आप डिटेल से समझ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्लास स्टार्ट करते हैं। टेबल मेन्यू, टेबल मेन्यू में क्या है? अगर कोरल ड्रॉ में चाहते हैं आप टेबल क्रिएट करना, टेबल में कुछ बनाना चाहते हैं तो आप टेबल भी यहाँ से ला सकते हैं। टेबल में गए, क्रिएट न्यू टेबल। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ कॉलम, जैसे हम लोग वर्ड एक्सेल में पढ़े थे उसी तरह यहाँ भी आप नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ रो ला सकते। इसका हाइट है कितना रखना है, विड्थ कितना रखना है सेट करेंगे, जितना कॉलम रो चाहिए उतना करेंगे, ओके कर देंगे। ओके, चार कॉलम चार रो मैंने रखा। ओके, फोर फोर या फाइव फोर भी कर सकते हैं, ओके करता हूँ। देखिए ए आ गया, इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इस तरह। देखिए ये पांच रो है और कॉलम फोर है, वन टू थ्री फोर, ये रो हो गया, लेफ्ट टू राइट रो हो गया, अप टू डाउन कॉलम हो गया, देख रहे हैं। इसको ये कॉलम हो गया हम लोग का, ये कॉलम, ये रो हो गया। ओके, ये आपका कॉलम हो गया, सेलेक्ट किए वो, और ये आपका इधर रो हो गया। फिर क्या है, नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ रो देखें हम लोग इसमें आप। उसके बाद क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल है और कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट है। तो इसमें पहले आपको कुछ टाइप करना पड़ेगा, जैसे मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, टू थ्री फोर फाइव, है ना। इसी तरह आप इसमें भी टाइप कर सकते हैं, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, है ना, एलेवन ट्वेल्व थर्टीन, पूरा मैं टाइप कर सकते हैं, मैं एक समझा रहा हूँ। उसके बाद क्या है, हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसका साइज बढ़ा लें ताकि आपको पता लगेगा क्या लिखा हुआ है अंदर में, 36 48 जो भी करना चाहते हैं साइज बढ़ा लें। देखिए इसका साइज बड़ा हो गया है। अब इसको क्या है, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद टेबल में चलेंगे, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्लिक करते ही देखिए क्या चीज़ में करना चाहते हैं, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट टैब में है तो ओके। देखिए ये टोटल क्या होगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। फिर अब क्या है, सेकेंड वाला देखिए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अब टेक्स्ट टेबल में करना है, पहले था उस तरह, फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यहाँ पर क्लिक करेंगे या टैब किया हुआ है, ओके कर देंगे। देखिए फिर टेबल में कन्वर्ट हो गया, तो टेक्स्ट टू टेबल, टेबल टू टेक्स्ट, आप इसको सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंसर्ट, इंसर्ट यहाँ पे रो है कॉलम है जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं, सपोज डट मैंने सेलेक्ट किया रो को। ओके, टेबल में गए, इंसर्ट, देखिए रो एबव चाहिए या रो बिलो चाहिए, नीचे चाहिए सेलेक्ट के ऊपर चाहिए, अगर ऊपर चाहिए तो रो एबव करेंगे। देखिए सेलेक्ट किए उसके ऊपर रो आ गया। ओके, उसके बाद कॉलम को लाना है टेबल में, तो जिसको करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉलम लाना है नया, अभी क्या है वन टू थ्री है, देख रहे हैं। अगर आप इसको चाहते हैं दूसरा कॉलम लाना तो यहाँ से आप ला सकते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉलम लेफ्ट में चाहिए, जो सेलेक्ट किया उसको लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए कॉलम लेफ्ट, तो देखिए लेफ्ट करेंगे तो इधर लेफ्ट में एक कॉलम आ गया,
टेबल में चलेंगे, इंसर्ट कॉलम राइट में चाहिए, राइट में करेंगे। देखिए इधर राइट में आ गया कॉलम। इस तरह आप कॉलम और रो इसमें ऐड कर सकते हैं। जब टेबल बन जाएगा तो एक्स्ट्रा अगर रो और कॉलम ऐड करना है तो आप टेबल से जाकर इंसर्ट में रो कॉलम ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट और रो करते हैं टेबल में, इंसर्ट टेबल में गए, इंसर्ट इंसर्ट रो। इंसर्ट रो मतलब क्या है, देखिए जितना रो चाहिए यहाँ पे पुट कर देंगे, दो चाहिए तीन चाहिए, एक बार में लाना चाहते हैं तो एबव द सिलेक्शन या बिलो द सिलेक्शन, ऊपर चाहिए कि नीचे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, उतना आपका रो यहाँ पे आ जाएगा। और कॉलम चाहिए सेलेक्ट करके ही करेंगे कुछ भी, सेलेक्ट इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद देखिए इंसर्ट कॉलम, देखिए कितना कॉलम चाहिए, एक बार में ज़्यादा लाना चाहते हैं कॉलम तो ला सकते हैं, देखिए इतना कॉलम आ गया। ओके कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद सेलेक्ट लेगा टेबल में, इंसर्ट रो एबव हो गया, कॉलम इंसर्ट रो टोटल हो गया। देखिए सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट में क्या है, इसमें कर्सर रखेंगे फर्स्ट वाले में, टेबल में चलेंगे इंसर्ट सेलेक्ट सेल। देखिए एक सेल को सेलेक्ट करने के लिए क्या है, सेलेक्ट सेल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट रो, रो को सेलेक्ट करना है तो ये रो को सेलेक्ट करना है, जिसमें कर्सर रखिएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट सेलेक्ट में चलेंगे कॉलम, कॉलम सेलेक्ट करना है तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ओके इस तरह आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट रो कॉलम लाना चाहते हैं वो भी ला सकते हैं। डिलीट रो, अगर डिलीट रो करना है, जिस रो को डिलीट करना है उसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेबल में चलेंगे डिलीट रो, देखिए डिलीट रो हो गया। कॉलम डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, माउस से ड्रैग कर लिए, टेबल में चलेंगे डिलीट कॉलम। ओके और टेबल को ही डिलीट करना है, टेबल में चलेंगे डिलीट टेबल, देख रहे हैं, फिर कंट्रोल जेड से मैं ले आया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टेबल में, डिस्ट्रीब्यूट है ना, डिस्ट्रीब्यूट के लिए क्या है, आप सपोज डैट किसी भी लाइन को इस तरह कर दिए। ओके पहले कॉलम करता हूँ, इस तरह अगर कॉलम और लाइन एक इक्वल में नहीं है, सपोज इस तरह है, तो आप इसको एक बराबर करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिए। ओके टेबल में गए डिस्ट्रीब्यूट, देखिए कॉलम इवेंटली है ना, कॉलम्स इवेंटली करेंगे, देखिए फिर जैसे कॉलम था पहले उस तरह हो जाएगा, कॉलम इवेंटली, देखिए उस तरह हो गया ना, पहले था उस तरह। रो को भी करता हूँ, देखिए रो को सेटिंग इधर उधर कर देते हैं, देख रहे हैं इस तरह कर दिए, फिर सेलेक्ट करेंगे टेबल को पूरा को, उसके बाद टेबल में चलेंगे डिस्ट्रीब्यूट रो इवेंटली करेंगे, फिर क्या है रो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा, देख रहे हैं एक इक्वल में इक्वल लाइन ले आएगा। नेक्स्ट क्या है टेबल में, देखिए मर्ज सेल है, मर्ज सेल करने का मतलब क्या है, अगर कई सेलों को एक साथ मर्ज करना चाहते हैं तो इस तरह, जैसे मैं ये 3 4 है, 4 कॉलम और 2 रो को एक साथ हम मर्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए टेबल में गए सेलेक्ट पहले कर लिए मर्ज सेल, देखिए ये टोटल मर्ज हो गया, देख रहे हैं पूरा लाइन एक बराबर हो गया। ओके टोटल मर्ज कर दिया, इसको अगर मर्ज करना चाहते हैं या इसको करना चाहते हैं मर्ज, सेलेक्ट करेंगे टेबल में जाएंगे मर्ज, देखिए ये टोटल एक साथ मर्ज हो गया, इस तरह मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है
स्प्लिट इनटू रो। स्प्लिट इनटू रो के लिए हम लोग क्या है, इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, सेलेक्ट करने के बाद अगर मर्ज किया हुआ उसमें अगर टेबल बनाना चाहिए, टेबल के अंदर टेबल बनाना चाहिए, तो स्प्लिट इनटू रो और स्प्लिट इनटू कॉलम कर सकते हैं आप। टेबल में चलेंगे, स्प्लिट इनटू रो, देखिए स्प्लिट इनटू रो आया, कितना नंबर सब रो चाहिए, टू चाहिए, थ्री चाहिए, यहाँ से क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, देखिए इसमें थ्री रो आ गया। अब टेबल में फिर चलेंगे, अभी सेलेक्ट है, स्प्लिट इनटू कॉलम, इसमें कॉलम कितना देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इसमें थ्री कॉलम भी दे देता हूँ। ओके, देखिए वन टू थ्री कॉलम भी हो गया, स्प्लिट इनटू कॉलम एंड स्प्लिट इनटू रो, यानी टेबल के अंदर टेबल अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। उसके बाद टेबल में चलेंगे, अनमर्ज सेल, जो मर्ज किया हुआ है उसको अनमर्ज कर देगा, फिर जैसे था पहले वैसे कर देगा। देखिए अनमर्ज सेल करेंगे, देखिए पहले था उस तरह कर दिया, पूरा सेलेक्ट कर लिए, टेबल में चलेंगे, अनमर्ज सेल कर दिए, देखिए अनमर्ज कर दिया, तो पहले था उस तरह आपको कर देगा टेबल को। तो हम लोग आज टेबल पर हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।